अभी आपको दिखाएंगे 2 BHK का 70 गज में बना हुआ एक फ्लैट, बहुत ही बेहतरीन फ्लैट है और ऐसा 2 BHK जिसमें आपको डाइनिंग टेबल के लिए भी स्पेस मिल जाता है। इस तरफ आप देख रहे हैं कितना ओपन एरिया है, जब आप बैल्कनी में खड़े हैं, बहुत ही सुंदर सा फ्लैट। तो यहाँ से चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ नीचे, रोड पे लिए चलता हूँ और फिर रोड से मैं आपको दिखाऊंगा जो पार्किंग एरिया में हम लोग ने वेटिंग एरिया दिया है, गार्ड रूम दिया है, वो सारी चीज़ें दिखाते हुए वापस फ्लैट के अंदर आएंगे। एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर सही मिलेगा ही। एम सानवी रियल एस्टेट आपके लिए दिल्ली जैसे शहर में एक बहुत ही प्यारी सी सोसाइटी लेके आए हैं जो मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 1000 गज की ये पूरी आपको सोसाइटी मिलती है जिसमें हम लोग ने 2 टावर बनाया है। बिल्डिंग की आप एलिवेशन देख लीजिए, इस तरह की पूरी बिल्डिंग की आपको बहुत ही प्यारी सी रॉयल लुक में एलिवेशन मिल जाती है। और जैसे ही आप अपने सोसाइटी में एंट्री लेंगे तो जो व्यू आपको दिखने वाला है, थोड़ा मन पीछे जाइए आप, इस तरह का पूरा आपको यहाँ पे लॉबी एरिया दिखता है, बहुत ही बेहतरीन। और एंट्री लेते ही यहाँ आपको सामने आपकी सोसाइटी का नाम राघव रेजिडेंसी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ गार्ड साहब ऑलरेडी अवेलेबल हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गार्ड साहब, ठीक है आप? यहाँ पर प्रॉपर गार्ड रूम बनाया गया है और गार्ड रूम में भी जो सर्विलेंस है वो CCTV कैमरा का दिया गया है। हमें एक बार दिखाइए, यहाँ प्रॉपर हम लोग ने टीवी लगाया है, प्रॉपर CCTV यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। और साथ में जो यहाँ इस तरह का पूरा लुक दिया गया है, एक बार आप फव्वारा चलाइए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पानी, इस तरह की पूरी जो अरेंजमेंट है फव्वारे का वो किया गया है। और साथ में यहाँ भी आप देखेंगे पूरा आपको झरने की तरह पानी बहता हुआ दिखेगा। तो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग सुपर लुक आपको मिल जाती है जैसे ही आप अपनी सोसाइटी में एंट्री लेंगे। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं पार्किंग एरिया में। यहाँ पे जो डोर लगाए गए हैं उसमें सेंसर दिया गया है, जैसे ही आप आएंगे ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा। उसके बाद जब आप पार्किंग में आएंगे तो आप लोग के लिए हम लोग ने वेलकम मैट लगाया है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। देखिए इस तरह का पूरा वेलकम मैट, और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा पार्किंग एरिया आपको मिल जाता है जिसमें आप अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को बड़े आराम से पार्क कर सकते हैं। और सोसाइटी का अगर मैं पूरा फ्रंट व्यू दिखाऊं तो अमन एक बार ये सारा गेट दिखाइए, आप कहीं से भी अपने कार को अंदर ला सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह का जो पूरा फ्रंट व्यू है, जो फ्रंट का दरवाज़ा है, वो 4 आपको अलग अलग मिल जाते हैं। इसमें हम लोग ने 2 टावर बनाए हैं और 2 टावर बनाने का मकसद ये था कि आपको सारी चीज़ें मिल जाए, चाहे आप 2 BHK की बात करें, 3 BHK की बात करें, 4 BHK की बात करें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिले। इस 2 टावर में 2 लिफ्ट आपको मिलता है और 2 स्टेयर्स हम लोग ने बनाए हैं। और सबसे अच्छी बात जो है इसमें, उत्तम नगर द्वारका मोड़ में या दिल्ली में कह सकते हैं कि जो सोसाइटी बनती है उसमें पहली बार आपको वेटिंग एरिया मिलेगा। और वो जो वेटिंग एरिया है सर, बहुत ही खूबसूरत, आपने अभी तक इस तरह का वेटिंग एरिया देखा नहीं होगा, और अगर कोई दिखाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में अगर आप घर लेने का सपना पूरा करना चाहते हैं, एक से बढ़कर एक फ्लैट आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो सपनों का आशियाना हो एकदम अलग हो, तो सर आप हमारे पास आइए, एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास आइए। ये हमारा वेटिंग एरिया है, लॉन्ज आप कह सकते हैं इसमें। इस तरह से पूरा जगह दिया गया है, जब आपसे कोई मिलने आएंगे आपकी सोसाइटी में, जब वो आते हैं आप चाहें तो यहाँ पे आप उनको वेट करवा सकते हैं। और एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा, 2 यहाँ वॉशरूम हम लोग ने बनाया है, एक जेंट्स वॉशरूम अलग है, यहाँ लेडीज वॉशरूम अलग है, दोनों के 2 डोर दिए गए हैं, दोनों अलग अलग बनाया गया है। और यहाँ बहुत ही बेहतरीन लाउंज आपको मिल जाता है, आप पूरी जो सोसाइटी की फैमिली है अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। जितनी भी तारीफ करूं वो कम पड़ जाएगा इस सोसाइटी के लिए। देखिए दीवार इस तरह से बनाई गई है, पूरा यहाँ दिखाइए अमन,
सोफा का अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर ऐसा कोई बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जो दिल्ली जैसे शहर में आपको देता है आपके सपनों का आशियाना। जब आप इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दो टेबल लगाए गए हैं। अभी हम लोग ने इस टेबल पे चेस रख दिया है, यहाँ लूडो का प्रबंध किया गया है और साथ में ये सारे जो स्लॉट्स आपको मिलते हैं इसमें अपने हिसाब से जो सोसाइटी में जितनी फैमिली रह रही हैं वो अपने हिसाब से इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ भी बॉक्स दिए गए हैं, आप मल्टीपर्पज़ इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए बड़ी सी टीवी लगा दी गई है, गैदरिंग यहाँ पे किया जा सकता है, पूजा पाठ किया जा सकता है, एक बर्थडे है वो सेलिब्रेशन किया जा सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन लुक, मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग के लिए मैं एक से बढ़कर एक फ्लैट, एक से बढ़कर एक सोसाइटी दिल्ली जैसे शहर में लेके आता रहता हूँ, वो भी मेट्रो स्टेशन के पास, जो होता है बहुत ही सस्ता। प्रीमियम चीज़ मैं लेके आता हूँ लेकिन सस्ते प्राइस में, जिसमें आपको देना पड़ता है सिर्फ 10% का डाउन पेमेंट और बाकी आप इस पे लोन करवा सकते हैं। चलिए अब आपको लिए चलता हूँ फ्लैट के अंदर, दिखाता हूँ 3 BHK का सैम्पल फ्लैट। देखिए यहाँ जो डोर भी लगाए गए हैं वो UPVC का है। अब स्टेयर से मैं आपको लिए चलूँगा अपने फ्लैट की तरफ और दिखाऊँगा 3 BHK का जो पूरा डिटेल टूर है वो। आ जाइए इस तरफ, जब देखेंगे तो यहाँ पानी के सारे कनेक्शन दिए गए हैं, आप अपना मोटर यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए आ जाइए चलते हैं फ्लैट के अंदर। हम लोग आ चुके हैं अपने बहुत ही प्यारे से सुपर्ब आउटस्टैंडिंग फ्लैट के अंदर, वो भी 2 BHK का है, जिसमें आपको डाइनिंग टेबल का भी स्पेस मिल जाता है। एक फ्लोर पे इसमें 7 फ्लैट बनाए गए हैं, पूरा ये सोसाइटी है और ऊपर आपको कॉमन टेरेस गार्डन भी मिल जाता है और साथ में आपको सेपरेट रूफ राइट भी मिल जाता है। तो 2 BHK का एक बेहतरीन फ्लैट देखेंगे। सर चैनल पे नए हैं और दिल्ली जैसे शहर में घर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपनों का घर दिल्ली जैसे शहर में सस्ते प्राइस में सिर्फ 10% के डाउन पेमेंट में अगर कोई ले के आता रहता है आपके सपनों को पूरा करने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड है। सर एक चीज़ और भी बताऊँगा, हम चाहते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले हमारे ही चैनल पर, इसलिए हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाते रहते हैं। जैसे कितनी बार अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि रेंट पे रहें या अपना घर लें, उसके लिए हमने यहाँ वीडियो बना दी है। आप ये जानना चाहते हैं कि पहले दुकान खरीदें या घर लें तो उसके लिए भी ये वीडियो बना दी है। रजिस्ट्री कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसके लिए ये वीडियो बना दी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके लिए हमने ये वीडियो बना दी है। उत्तम नगर द्वारका मोड़ दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके लिए भी हमने अलग वीडियो बना दी हुई है। तो सर सारी तरह की इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि आपको देते रहें। लेआउट समझ लेते हैं सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अलग अलग स्टेट से, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी हमारी आप वीडियो देखते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि आपका टाइम बचाया जाए। यहाँ से आप अपने घर में एंट्री लेंगे, जैसे ही एंट्री लेते हैं तो बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सोफे के साथ यहाँ जो आप टेबल है वो देख रहे हैं वो मिल जाता है ड्राइंग रूम। जब इसे आप आगे चलेंगे तो यहाँ आपको डाइनिंग टेबल मिलता है और ये पूरी दीवार बहुत ही प्यारी सी सजा दी गई है। और इस तरफ आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम, और कॉमन वॉशरूम में भी जितनी सैनिटरी फिटिंग है वो जैक्वार ब्रांड का हम लोग ने यूज़ किया है। यहाँ फ्रंट में आपको मिल जाता है मास्टर बेडरूम, इसके साथ बैल्कनी और साथ में अटैच वॉशरूम है, और यहाँ आपको मिलता है आपका प्यारा सा सेकेंड बेडरूम। चलिए थोड़ी बहुत और डिटेल्स हम लोग ले लेते हैं अपने ड्राइंग रूम की। इस तरफ आप अमन आइए, फ्लोरिंग दिखाते हुए पूरा ड्राइंग रूम दिखाइए। फ्लोरिंग डिजिटल लाइस की हम लोग देते हैं जो वेट्रीफाइड होती है, स्क्रैचलेस होती है। यहाँ इस तरह का आपको सोफ़ा के लिए पूरा स्पेस दिया गया है, इनफैक्ट सोफ़ा लगा दिया गया है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसमें हम लोग ने लोअर्स यूज़ किया है, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। और ये जो दीवार बच रहा था इसमें वॉलपेपर के साथ ये जो डेकोरेटिव आइटम है वो लगाया गया है। उसके ठीक ऊपर आपको स्प्लिट एसी की वायरिंग है वो करके दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। और ऊपर जो सीलिंग की डिज़ाइन, जब आपके गेस्ट, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त आएंगे और नज़र उनके ऊपर जाएगी तो सर एक आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन आप कह सकते हैं। इस तरह का हम लोग ने फॉल सीलिंग की डिज़ाइन दी है। और इस तरफ आप बैठे हैं, टीवी देखने का मन है सर, यहाँ इस तरह से टीवी आप लगा सकते हैं, इनफैक्ट हमने लगा दिया है। आप चाहें तो फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट भी हमसे ले सकते हैं।
तो इस तरह का ये पूरा डिज़ाइन, यहाँ लोअर्स यूज़ किया गया है। और एक बार पीछे जाके मैं चाहूँगा अमन सीलिंग की डिज़ाइन आप किचन तक दिखाएं, पूरा इस तरह का पूरा आपको स्पेस मिल जाता है। अब आ जाइए डाइनिंग टेबल, ये चार चेयर वाली डाइनिंग टेबल आपको मिल जाती है। स्पेस कम ऑक्यूपाइड होगा, चेयर को आप बाहर पुल कर सकते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट करने के बाद इसे आप अंदर रख सकते हैं। और यहाँ अगेन ये पूरा कांच का काम करके हम लोग दे रहे हैं। अब चलेंगे हम लोग किचन की तरफ, इस तरफ आइए अमन। एक चीज़ और भी मैं इनको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है क्रॉकरी आइटम के लिए। इसमें आप अपना कुछ क्रॉकरी आइटम रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कांच के स्लॉट्स के साथ इसे बनाया गया है। अब किचन देखिए कितना ओपन आपको मिल रहा है। पहले पूरे नीचे से ऊपर तक स्पेस दिखाइए अमन, फिर मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। बड़ा सा अच्छा सा स्पेसिस आपको किचन मिलता है, तो चार आदमी भी खड़े होंगे तो सफोकेशन आपको फील नहीं होगी। फ्रिज कहाँ लगाएंगे सर, लगाएंगे क्या, लगा के दे दिया है यहाँ। इस तरह से आपका फ्रिज का स्पेस आ जाएगा। ये जो चिमनी है आपके हाथ के इशारों से चलेगी, आप इस तरह से इसे ऑन कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें क्लोज करेबन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं और इसे बिना टच किए हुए ही बंद कर सकते हैं। ये सारे कैबिनेट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। मैं एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा कि अंदर में यहाँ दिखाइए हम माइका जो है उसका देखिए कितना अच्छा सा डिज़ाइन लिया गया है, और बाहर में कांच के पल्ले दिए गए हैं। ये सारा स्पेस आपको मिलता है। ओवन के लिए भी यहाँ अलग से स्पेस दिया गया है, आप आराम से यहाँ पे अपना ओवन रख सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ जगह मिल जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो जैक्वार ब्रांड का टैप दिया है, टैप को आप अपने सुविधा अनुसार लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और ये जो सिंक है ये भी जैक्वार ब्रांड का दिया गया है, और इसके ठीक ऊपर आपको आरओ या गीज़र के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ये सिंक ऐसा है कि बहुत तेज़ी से भी आप बर्तन रखेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरह का पूरा ऊपर आपको स्पेस मिलता है। और नीचे जो ये कैबिनेट्स आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग ने ब्रांड में दिखाने की कोशिश करूँगा, दिखाइए यहाँ पे गोदरेज ब्रांड का हम लोग ने यहाँ पे चैनल यूज़ किया है, सॉफ्ट क्लोज चैनल है, बहुत तेज़ी से भी लगाएंगे तो भी आवाज़ नहीं आएगी। इस तरह का स्पेस आपके किचन में नीचे भी मिल रहा है। लिमिटेड फ्लैट है इस सोसाइटी में, 2 BHK के सिर्फ 4 फ्लैट हैं। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो सर जल्दी विजिट कर लीजिएगा। ये जो आपने स्पेस देखा, हमारे किचन में बड़े कंटेनर होते हैं उसके लिए हम लोग ने जगह दे दिया है, यह भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो एक अच्छा सा किचन, एकदम नीट एंड क्लीन ओपन किचन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। फैंसी लाइट्स यहाँ लगा दी गई है। एक बार पीछे तक जाइए, मैं चाहूँगा पूरा डिज़ाइन आउटर लुक भी किचन का आ जाएगा मन, और जो सीलिंग की डिज़ाइन है वो भी एक बार आप फिर से दिखा दीजिए। बहुत ही डिसेंट सा बेहतरीन, जैसा हम लोग हमेशा आपके लिए फ्लैट लेके आते रहते हैं, और जब भी आपको हम फ्लैट दिखाते हैं उसमें कुछ अलग सा होता है, एक से बढ़कर एक फ्लैट आपको मिल जाता है। अब आ जाइए जो मास्टर बेडरूम है वो दिखाते हैं। बेल्कनी यहाँ पे दी गई है, किंग साइज का बेड। सर जब हम आपको बेडरूम दिखा रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी होटल के 5 स्टार का जो बेडरूम है वहाँ पे आप आए हुए हैं। इस तरह से किंग साइज का बेड आपको मिलता है। जो बैक वॉल है उसमें वॉलपेपर के डिज़ाइन देखिए, बहुत ही स्टाइलिश। इसके ठीक ऊपर जो यहाँ पे डेकोरेशन के लिए आइटम यूज़ किया है वो अलग ही आपको दिख रहा है। दोनों तरफ लोअर्स के काम किए गए हैं। यहाँ फैंसी लाइट्स, नाइट लैंप आप कह सकते हैं, वो लगाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोनों तरफ, उस तरफ भी दिखाइए हमें, इस तरह का ये पूरा आपको डिज़ाइन मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ वार्डरोब की तो वो देखिए सर, यहाँ इसमें स्लाइडिंग डोर यूज़ किया है, क्योंकि जहाँ भी जगह कम रहेगा आप स्लाइडिंग डोर यूज़ कीजिए, जगह को आप बचा सकते हैं। दोनों तरफ इस तरह का जो स्लाइडिंग डोर है वो हम लोग ने बना दिया है। इसके नीचे प्रोफाइल लाइट्स भी दी गई है। सर फिर से बोलूँगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जाके आप स्मॉल छोटा सा रील देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिलती है, ऊपर आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। और अगर स्टोरेज और भी चाहिए तो यहाँ भी एक्स्ट्रा स्टोरेज बना दिया गया है, और इसी के साथ आपको मिल जाती है बेल्कनी। बेल्कनी देखिए सर, आप लोग यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, टैप हम लोग ने लगा दिया है, टफन ग्लास लगाए गए हैं। और अगर आपको मैं रेलिंग दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं एल्युमिनियम की रेलिंग है सर, बहुत ही स्टाइलिश डिजाइन। नीचे से भी आप एक बार लीजिए, देखिए इस तरह का ये पूरा यहाँ पे आपको, ये जो रेलिंग है काफ़ी कॉस्टली आती है, तो हम चाहते हैं आपको जो प्रीमियम फ्लैट मिले सस्ते प्राइस में, उसमें चीज़ आपको अच्छी मिले। 10% डाउन पेमेंट देना होता है, रेस्ट आपका लोन हो जाता है। यहाँ आपको
मिल जाता है इसके साथ जो अटैच वॉशरूम है वो आप एक बार देखिए। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो सब हम लोग इसमें करके दे रहे हैं। अब आपने अपना रूम तो देख लिया, लेकिन सर बच्चों का रूम तो जरूर देखिए। आ जाइए दिखाता हूँ बच्चों का रूम। वाओ, जैसे ही आप कैमरे में इस बेडरूम को देख रहे होंगे बहुत ही डिसेंट फील आपको आ रही होगी। वेंटिलेशन, रोशनी पूरी इसमें व्यवस्था की गई है। पीछे देखिए ये पूरा इस तरह का बड़ी सी विंडो दी गई है। यहाँ पे हमने चिक दिया है, मैं इसे एक बार आपको क्लोज करके भी दिखाता हूँ। आप चाहें तो इसे डाउन करके रख सकते हैं और मन होगा तो इसे आप खुला भी रख सकते हैं। आप इसे पुल भी कर सकते हैं इस तरह से। दोनों तरफ वार्डरोब दिए गए हैं और जो वार्डरोब का पल्ला है इसमें कांच यूज़ किया गया है और साथ में यहाँ पे माइका का डिज़ाइन। इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको अच्छा खासा स्पेस दिखेगा। नीचे भी फैंसी लाइट्स दिए गए हैं और यहाँ आपको दो कैबिनेट मिल जाता है। सेम दूसरी तरफ भी आपको जगह मिल जाता है। और अगर आपको टीवी लगाना है तो दीवार पे इस तरह की पूरी डिज़ाइन बना दी गई है ताकि आपका टीवी यहाँ लगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखे। कॉपर ग्लास, बीच में यहाँ जो बोर्ड है उसके साथ माइका यूज़ किया गया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और नीचे ओपन कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं। तो सर इस तरह से आपने 2 BHK का पूरा फ्लैट देख लिया। एक बार सीलिंग की डिज़ाइन आप देख लीजिए, इस तरह से सीलिंग की आपको डिज़ाइन भी मिल जाती है। और इसमें भी दिखाइए अमन, इसका भी सीलिंग का डिज़ाइन दिखाना रह गया था। फॉल सीलिंग की डिज़ाइन इसमें भी दी गई है। हमने कोशिश की है चूँकि प्रीमियम फ्लैट है तो इसमें जो फॉल सीलिंग है वो सारी चीज़ें डिसेंट रखने की। अच्छा एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था आपको, अटैच वॉशरूम दिखाया, कॉमन वॉशरूम तो आपने देखा ही नहीं। कॉमन वॉशरूम देखिए, यहाँ इस तरह से आपके कॉमन वॉशरूम में सारी चीज़ें लगाई गई हैं। मैं थोड़ा बता दूँ आपको, लुकिंग ग्लास यहाँ दिए गए हैं, टैप दिया गया, आप अपने हिसाब से इसे लेफ्ट राइट कर देंगे, हॉट एंड कोल्ड वाटर आएगा, ये वॉश बेसिन मिला आपको। गीजर के पॉइंट्स ऊपर, यहाँ आपको शावर मिल जाता है, नीचे बाथिंग एरिया मिलता है। यहाँ डाइवर्टर यूज़ किया गया है लेफ्ट राइट करने पर, इसमें भी हॉट एंड कोल्ड वाटर आएगा। सीट इस तरफ मिलता है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ हमने जो स्पेस है वो छोड़ा है, 4 इंच का इसमें एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया 2 BHK का एक ऐसा फ्लैट जिसमें आपको डाइनिंग टेबल के साथ साथ सोफ़ा के लिए भी स्पेस मिलता है। तो सर अब आपकी बारी है, फ्लैट कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए सर। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिनको इस फ्लैट की, इस तरह के फ्लैट की रिक्वायरमेंट है उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। सर हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।